वर्ष 2016 में जहां सड़क दुर्घटना में 407 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 2019 में यह संख्या घटकर 267 हो गई है। इसकी जानकारी जॉइंट सीपी ट्रैफिक संतोष पांडे ने दी है। गुरुवार को उन्होंने बताया कि सेफ ड्राइव सेव लाइफ अभियान के चालू होने के बाद महानगर में सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। कोलकाता ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 2016 में 407, 2017 में 329, 2018 में 294 और 2019 में 267 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई। यह कोलकाता पुलिस के इतिहास में सबसे कम संख्या है। ये 2019 के वर्ष के अंत में हमने जो इस वर्ष हमारे रोड एक्सीडेंट्स की समीक्षा की है, उसमें हमें लगा कि 2019 हमारे लिए एक सफल साल रहा है। पिछले साल हमारे जो रोड एक्सीडेंट्स में 294 लोग मारे गए थे, इस बार वो संख्या घटकर 267 हुई है, 267। तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। इसके अलावा जो हमने किस किस सेक्टर में, मतलब कौन कौन से लोग सेक्टर में एक्सीडेंट कमे हैं, तो हमने देखा कि जो मोटरसाइकिल दोपहिया वाहन चलाने वाले हैं, वो पिछले साल 82 लोगों की मौत हुई थी ऐसे रोड एक्सीडेंट में, इस बार वो संख्या घटकर 58 रह गई है। और उसमें भी विदाउट हेलमेट, बिना हेलमेट पहने जो गाड़ी चलाते हैं जिसके कारण मृत्यु हुई थी, पिछले साल ये संख्या 50 थी, जो घटकर 20 हो गई है। तो ये संख्या सबसे कम है, हमने सोचा आप सबके साथ शेयर करने के लिए। इसके अलावा जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हुई हैं कि रात्रि समय जो एक्सीडेंट होते थे, तो रिसेंट टाइम में हमारे रात के समय में नाका चेकिंग सब जगह चल रहा है, इसका फल ये हुआ है कि रात के समय में एक्सीडेंट की संख्या कमी है। एक हमने कुछ दिनों से बिना वजह हॉर्न बजाने के खिलाफ एक अभियान चला रखा है, उसमें भी प्रोसिक्यूशन यदि देखा जाए तो पिछले साल 35,000 मामले हुए थे, इस बार 1,00,000 से ज़्यादा मामले अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। तो ये मोटा मोटी हमारा जो अभी तक का एनालिसिस है।